गेंद से छेड़छाड़ मामले में फंसकर अपने करियर का सबसे बुरा दौर देख रहे आखिरकार गुरुवार को पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया तो मानो इसी पल का इंतजार कर रहा था कि कब स्मिथ ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और कब वो उनसे सवाल जवाब कर सकें। सिडनी एयरपोर्ट पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया समेत पूरी दुनिया सबसे बड़े बल्लेबाज और अब बेईमान कहे जाने वाले स्मिथ को सुनने को बेकरार थी। आखिरकार स्मिथ मीडिया के सामने आए, उन्होंने एक शब्द कहा और फूट फूट कर रोने लगे। स्मिथ लगातार रो रहे थे और अपनी बातें दुनिया के सामने रख रहे थे। लगभग 6 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मिथ ने नम आंखों से कई बातें कहीं, लेकिन हम आपको उनके 5 बड़े बयान के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं कि कैसे आंसुओं के जरिए स्मिथ ने कही अपने दिल की बात। मैं सभी ऑस्ट्रेलियन दुनिया भर से माफी मांगता हूं। स्मिथ ने सबसे पहले अपने बयान की शुरुआत माफी मांगने के साथ की। स्मिथ ने कहा, अपनी टीम के सभी खिलाड़ियों, दुनिया भर के फैंस और पूरे ऑस्ट्रेलिया जो कि मुझसे नाराज और गुस्से में है, मैं उनसे माफी मांगता हूं। जो भी हुआ मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। नेतृत्व की कमी थी, मेरे नेतृत्व की कमी थी। अपनी गलती को सुधारने के लिए मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं करूंगा खुद। स्मिथ ने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो एक दिन खोई इज्जत वापस पा लेंगे और लोग उन्हें माफ कर देंगे। स्मिथ ने कहा, मुझ पर जो एक्शन लिया गया है, अगर उससे बदलाव आता है, लोग इससे सीखते हैं और मैं इसका जरिया बनता हूं, तो मुझे ये मंजूर है। मैं बेहद निराश हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं आने वाले समय में खोई इज्जत और लोगों का प्यार वापस पा लूंगा। क्रिकेट मेरी जिंदगी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्मिथ लगातार रो रहे थे और अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। स्मिथ ने रोते हुए आगे कहा, क्रिकेट दुनिया का सबसे महान खेल है। ये मेरी जिंदगी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोबारा होगा। मैं बेहद निराश और हताश हूँ। मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता। स्मिथ ने ये भी कहा कि जो कुछ भी हुआ वो उसके लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराते। स्मिथ ने कहा, मैं किसी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानता। मैं ऑस्ट्रेलिया का कप्तान था। ये सब मेरी देखरेख में हुआ और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ। स्मिथ इतने ज्यादा इमोशनल हो रहे थे कि वो अपना सिर नीचे करके रो रहे थे, हालांकि उन्हें चुप कराया गया। स्मिथ ने आगे कहा, बहुत दर्द होता है। मैं दिल से माफी मांगता हूँ। मैं क्रिकेट के खेल को बहुत पसंद करता हूँ। मुझे युवाओं का मनोरंजन करना पसंद है। मैंने ऑस्ट्रेलिया फैंस और लोगों को जितना भी दर्द दिया है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। आपको बता दें कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्मिथ के आंसू रुक नहीं रहे थे और वो बेहद दर्द में दिखाई दे रहे थे। दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज ने शायद ही कभी सोचा होगा कि उन्हें ये दिन भी देखना पड़ सकता है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्मिथ पर 1 साल का बैन लगाया है और अब वो 1 साल तक देश के लिए क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे।